सभी देशवासियों, अरे भाइयों, और कोई काम ना साके तम सारे खाली बैठे एक महिला पहलवान के मूल आगरे हो। नमस्कार मित्रों, TNZF चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की चर्चा का विषय वो महिला पहलवान हैं जिन्होंने भारत को महिला पहलवानी में एक नए मुकाम तक पहुंचाया है और पहलवानी के क्षेत्र में भारत का नाम रोशन किया है। जी हाँ, हरियाणा को बिलोंग करने वाली महिला पहलवान बबीता फोगाट जी। मित्रों, ये वही बबीता फोगाट जी हैं जिन्होंने सन 2014 में भारत को कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड दिलाया, 2018 में सिल्वर मेडल दिलाया और कई ऐसी प्रतियोगिताओं में भारत का नाम रोशन किया। वाक्या है दो दिन पहले का, जब बबीता फोगाट जी ने ट्विटर पे कुछ ट्वीट करा। कोरोना से रिलेटेड वो ट्वीट था जिसमें उन्होंने लिखा था कि भारत में अभी भी कोरोना दूसरे नंबर पर बना हुआ है, पहले नंबर पे जमाती ही है। तो उस ट्वीट पे कई बुद्धिजीवियों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी, जिनमें से कई प्रतिक्रियाएं उनके फेवर में थीं एवं कई प्रतिक्रियाएं उनके अगेंस्ट थीं। तो मित्रों, अगेंस्ट में एक व्यक्ति हैं प्रशांत कनौजिया नाम के, एक पत्रकार कहे जाते हैं, बट उनकी भाषा शैली और उनके व्यवहार को देख के वो पत्रकार लगते नहीं हैं। प्रशांत कनौजिया ने ये उनको रिट्वीट करके ये बोला कि आप जैसे पहलवानों को इन मुस्लिम लोगों ने ही अपनी पिक्चरों में प्रदर्शित कर आप लोगों की छवि को और बढ़ाया है और आप लोगों को और फेमस करा है। तो जब इन्होंने, प्रशांत कनौजिया ने जब ये रिट्वीट करा, तो उसके जवाब में उसके बचाव में मित्रों पहलवान बजरंग पुनिया जी भी मैदान में आए। बजरंग पुनिया ने उनको मुँह तोड़ जवाब देते हुए कहा कि मिल्खा सिंह, मैरी कॉम, पान सिंह तोमर, गीता, बबीता, इन पे फिल्म इसलिए बनी है क्योंकि वो इस योग्य थे। सरकार खिलाड़ी की आर्थिक स्थिति को सुधार रही है, खिलाड़ी देश के लिए संघर्ष कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं। देखिए, बजरंग पुनिया जी का यह जवाब काफ़ी हद तक ये सही था क्योंकि प्रशांत कनौजिया जैसे लोग हमारे संविधान में जो हमको अभिव्यक्ति की आज़ादी दी है इसका गलत फ़ायदा उठाते हैं। देखिए, आप किसी खिलाड़ी के लिए इस प्रकार की भाषा शैली का प्रयोग कर रहे हैं, उनकी छवि को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ये आपको बिल्कुल शोभा नहीं देता। दोस्तों, कई और बुद्धिजीवियों ने गीता फोगाट के इस ट्वीट को की बहुत ज़्यादा अवहेलना करी है, जिसमें कि जावेद अख्तर और कई लिबरल और अपने आप को लेफ्टिस्ट कहने वाले बुद्धिजीवी भी शामिल थे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कोरोना जब भारत में एक टाइम पे ख़त्म होने की कगार पे था, तो निज़ामुद्दीन जैसा कांड होता है जिसके कारण 30-40% कोरोना के केसेस में वृद्धि होती है। ये सरकारी आंकड़े हैं और अभी भी निरंतर बढ़ते चले जा रहे हैं। आप covidindia19org.com पे देखिए किस गति से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। चाइना जैसा देश काफ़ी तेज़ी से रिकवर कर रहा है क्योंकि मित्रों चाइना में उनकी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ कोरोना से है, उनकी लड़ाई किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी या किसी पर्टिकुलर समुदाय से नहीं है। भारत में आप अगर देखें तो निज़ामुद्दीन जैसा कांड होने के बाद मौलाना साद जैसे आदमी जिन्होंने लोगों को इकट्ठा करके इस वायरस को फैलाने का काम करा है, मौलाना साद अभी भी फरार है दोस्तों। और कोरोना के केसेस अगर आप देखें तो दिन पर दिन बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो बबीता फोगाट के इस स्टेटमेंट की अवहेलना या इसका अपोजिशन करने का तरीका सरासर गलत है क्योंकि महिलाओं की इज्जत करना हमारी समाज में सबसे बड़ी और सबसे प्राथमिक चीज़ है। अगर बबीता फोगाट जैसे या गीता फोगाट जैसे लोग अगर कुछ आपसे बोल रहे हैं तो उसकी आपको सम्मान करना चाहिए, उसका मान रखना चाहिए, ना कि उनका विरोध करके उनकी छवि खराब करने का प्रयास करना चाहिए।
देखिए ये लोग ये इस प्रकार की भाषा शैली का उपयोग या प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि हम लोग एक पर्टिकुलर या ये लोग एक पर्टिकुलर समुदाय को टारगेट कर रहे हैं, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन्हीं की समुदाय से या इन्हीं के कौम के लोग हैं, जैसे सलमान खान जी हैं, शाहरुख खान जी हैं और कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस विषम परिस्थिति में सरकार का साथ दिया है। और इन्होंने सलमान खान जी ने तो दो दिन पहले ही मुरादाबाद वाले कांड पे एक स्टेटमेंट दिया है कि इन सबके इन जाहिलों के लिए आर्मी आपको तैनात कर देनी चाहिए, डॉक्टरों को इनका इलाज नहीं करना चाहिए। तो आपके ही समाज आपके ही समुदाय में ऐसे बुद्धिजीवी भी हैं, तो ये आपकी जो न्यूनतम सोच है या जो प्रशांत कनौजिया जैसे पत्रकार जो एक छोटी या ऊंची मानसिकता वाला काम कर रहे हैं इसको बिल्कुल बंद करना चाहिए, अन्यथा यहाँ पे एक दरार पड़ जाएगी दो समुदाय के बीच में और आखिर में हम कोरोना से तो जीत जाएंगे वो बात अलग है, बट आखिरी में ऐसा दलदल बना देंगे जहाँ से उभरना बहुत मुश्किल होगा। दो तीन दिनों से लगातार बबीता फोगाट जी को लगातार धमकियाँ आ रही हैं, धमकी भरे फ़ोन आ रहे हैं और कई लोग उनको ट्वीट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं। तो अभी लेटेस्ट वीडियो में बबीता फोगाट जी ने कह दिया है कि वो इन सब धमकियों से डरने वाली नहीं हैं, जो भी सामने आएगा उसको वो मुंह तोड़ जवाब देंगी और वो अपने स्टेटमेंट पे कायम है। तो मित्रों, इस प्रकार की न्यूज़ पे या इस प्रकार की हरकतों का बिल्कुल भी साथ ना दें, अपने घर पे रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।